दोस्तों, आज हम आए हैं अपने शिवी भाई के मित्र का वर्षाप है। यहाँ मतलब मूर्तियाँ बनती हैं और शिवी भाई भी यहाँ पर बहुत ही मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं कि पुराने खिलाड़ी हैं भाई, इनको इनका मार्गदर्शन होता है यहाँ पर। और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर अभी आइए आइए आइए, और सारी मूर्तियाँ बनी हैं, सब में ये सब फिट है। एक अलग से मूर्ति बनी है और मेरे निर्देशन में ये मूर्ति, ये प्रतिमा हम लोग हमारे डायरेक्शन में बन रहा है। इसमें ये जो है ना, ये बाल का ये दिया गया, अभी बाल हम लोग इसमें लगाएंगे, घुघरा लेंगे, बगल में भी आप आते नहीं ना है। ऐसा है कि हमारे पास मात्र एक सोमवार का दिन होता है, और इसी दिन हम लोग मिलते हैं। और भाई कई दिन आग्रह किए लेकिन समय नहीं मिल पाया, और आज हम आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए। और शिवी भाई और उनके मित्र, ये हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है, हर साल यहाँ मूर्तियाँ बनती हैं और हमारे शिवी भाई के मार्गदर्शन में ही बनती हैं। और देखिए प्रत्येक साल, चूँकि हम लोग बंगाल नहीं जाते हैं, बंगाल के भी मूर्तिकार हैं, ये हमारे लोकल हमारे निर्देशन में ये बनता है, और प्रभुनाथ मूर्तिकार उनका नाम है, वो बनाता है बेचारा। बहुत मेहनत का काम है, मिट्टी सानना, स्ट्रक्चर बनाना, ये करना वो करना, लेकिन जो भी बारीकियाँ होती है तो उसमें हम आकर टिप्स देते हैं और स्वयं भी लग जाते हैं, अगर बहुत परेशान होता है कहीं कुछ टेढ़ा हो गया तो आकर सीधा करते हैं। सही इतना तो है। और ये भी है कि एक दिन का बात नहीं है, प्रभु भाई जो हैं सालों साल इस जगह को लिए हुए हैं, और काम तो होता है मान लीजिए एक आध महीना, लेकिन सालों साल ये इस जगह को मतलब लीज पर लिए हुए हैं, और उनका ये मेहनत देख कर उनको सैल्यूट करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। और कहने का मतलब ना कि यहाँ बंगाल से भी कारीगर आते हैं, लेकिन वो एक बंगाल का नाम है, यहाँ का मेरे निर्देशन में सिर्फ ये आर्म्स दिखा, ये बांह, इसका जो मानक है प्रतिमा में जो होना चाहिए आकार, उसको हम देने की चेष्टा करते हैं कि बंगाले नहीं है, कभी कभी गांव भी देखा करो यार, अपना बेलथरा रोड भी देखा करो। और देखिए कुछ मूर्तियाँ दिखा भी देते हैं आपको, एक साथ आप लोग इतनी मूर्तियाँ नहीं देख पाएंगे। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही। और ये देखिए कुछ मूर्तियाँ तो आज चली गई हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ का अब अंतिम रूप हो गया है, अब मुँह भी ढक दिया गया है, और जो ही हमारे जो भी आएंगे कस्टमर उनको क्रमशः हम लोग देते रहेंगे। अभी यहाँ इतना ही हुजूम लग गया था ना कि अब भीड़ को हटाना, एक प्रतिमा को ले जाने के लिए 50-50 लोग आ रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है भाई। भाई उन लोगों की श्रद्धा है और आस्था है, आएंगे क्यों नहीं। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे मित्र आर्या जी भी आ गए, और ये जो हमारे मित्र का मेहनत है अथवा मेरा निर्देशन में हमारे अप्लाई पर ही आए हैं। हाँ, यहाँ तो बस आए, हर साल भी आते हैं, लेकिन अब इतना विस्तृत हम लोग एक दो दिन के बाद जो है कि अब प्रतिमा का जो भी आप देखेंगे और वो मेला भी देखेंगे, बहुत तो हाईलाइट जबरदस्त, ये राक्षस हैं लेकिन देखने के लिए हजारों लोग आएंगे। महिषासुर राक्षस रहता था। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम लोग। अरे भाई बड़ा हम लोग सम्मान से मनाते हैं सबको, देखिए एक नायक है वैसे। अच्छा ये बताइए, फिल्म में अगर खलनायक अमरीश पुरी, प्राण जो भी हो, न आए तो फिल्म चलेगी। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तभी श्रेय मिलता है। और क्या, नेगेटिव नहीं दे तो पॉजिटिव क्या मतलब है। ठीक है फिर मिलते हैं।